लगा लो पता करके लगभग करीब ये 3 बोल रहे हैं अंदाजा है ना कितने रेट लगे हुए मार्केट के टाइम पे मेरे को मंडी उठा के ले आए मेरे को बोला चला बाहर खाने पीने कहीं चलेंगे इनका खाने पीने मंडी में गोबर वगैरह खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज तकरीबन हम लोगों ने 3 महीने हो गए रमजान में लास्ट ब्लॉग बनाया था। आज हम लोग अपना जो है ब्लॉग मटी आ रहा था, हम लोग अपना जो है दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। काफी टाइम से ब्लॉग हमने बनाए नहीं। नसीर भाई लोग जानवर लेने के लिए आए थे तो हमने बोला हम लोग अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। मुझे लेकिन ये है कि हमारा जो आज का ब्लॉग है, आई होप कि आप लोगों को जो पसंद आएगा। आप लोग पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमारी वीडियो वगैरह को अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। बाकी नसीर भाई कुछ कहना चाहें तो हम क्या कहना चाहेंगे, बस तकीर भाई को हमने लाया, हमने तकीर भाई ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग बहुत अच्छा हो गया, ब्लॉग नया नहीं है तो इसी माने पाने सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, व्यूअर्स भी आ जाएंगे। ये भी जानवर वगैरह का सौदा वगैरह कर रहे थे यहाँ पे। नसीर अब्बू कहाँ गए तुम्हारे? इधर इधर शायद आगे गए, घूमेंगे तो कहीं नहीं ये भरे हुए। वो लोग नहीं घूमेंगे, हम लोग घूम जाएंगे। नहीं नहीं कराची है, कराची में कोई नहीं घूमता। ये यहाँ पे सौदेबाजी अभी देख रहे हैं कि जानवर वगैरह पसंद है। बाकी एक दो जानवर पीछे देखे थे इन्होंने, लेकिन सौदा जो वो पसंद नहीं आया। कोई हमारे का सौदा लगा नहीं है, क्योंकि सौदा जो जितना भी नसीब का सौदा होता है, लेकिन देखो नसीब में हमारा कौन सा सौदा लगता है। कभी क्यों डरा रहा है यार? ये हमारे चाचा है अभी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जगह ही नहीं मिल रही, ऊपर जाना है तो जानवर वगैरह इतने जगह है नहीं यहाँ पे। माशाल्लाह भाई, काले वाले जानवर के तो रेट है 120 और सात वाले के 160 रेट है। इधर भी नसील लोग ही बार बार भाग जाते हैं, अपने लोगों जाहिर के बाद इन लोगों जानवर है तो ये लोग जाहिर आगे आगे भाग रहे होंगे। जानवर अपन देख रहे हैं, जानवर पसंद है, सौदा लगे भी अच्छा सा। और मेरा तो यही कि जितना जल्दी ये कि सौदा लगा सकें, ताकि मेरे को भी जाना है, सुबह जॉब पे जाना है। 1 बज रहा है इधर अभी, एक आए भी अभी 12 बजे के बाद मैं घर जाता नसीर पकड़ के ले आया। भी नहीं मिलेगा, चलो सही है भाई। ये जो ब्राउन वाला जानवर जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके 175 मांग रहे हैं, लेकिन अभी सौदाबाजी ये कि बनी नहीं है। और व्यापारी जो है वो यहाँ मलिर में लग रहा है कि ये लोग बेचने के लिए नहीं आए हुए, क्योंकि सीधे में कोई भी बात नहीं कर रहा। 1,55,000 कभी तुम कुछ कहना चाहोगे? मंडी देख भरी पड़ी है, इतना ज्यादा जो है ग्राहक आने लगे, क्योंकि इनके रेट इस तरह के हाई चल रहे हैं। कभी कोई पहली सेकंड बार आया, दूसरी बार आया कभी? पिछली बार इतनी महंगी नहीं थी, इस बार बहुत महंगी है। हाँ जितने लोग भी लेकर आए, 1,50,000-2,00,000 हमेशा, जब भी अगले साल जाओगे तो हम लोग यही बोलते कि पिछली बार इतनी महंगी नहीं थी, साल पे साल रेट बढ़ते रहते। माशाल्लाह इसके रेट पूछे सर, इसके रेट तो मारने के लिए आ रहा है भाई। ये तो खतरनाक लग रहा है, व्यूअर्स को दिखाया माशाल्लाह से बहुत अच्छी अच्छी लगने की गाय।
माशाल्लाह। ये तीसरे नंबर का बेल आप चेक करें, माशाल्लाह से कितना प्यारा है। डरा रहे हो यार वही तो जानवर बारे पीछे आ रहे, डर लग रहा है, मार मार ना दे सी। एक और सौदेबाजी वगैरह भी होते हुए कौन से जानवर की सौदेबाजी हो रही है? ये लाल है, सुरमाई है, जो भी है इसे है। जी जी, क्या रेट बोल रहे? ये स्टार्ट इन्होंने अभी 1.45 से किया है, अब देखते हैं किधर अटकता है। अब एक जानवर बारह पीछे घूम रहे, ऐसी हालत, डर लग रहा है कि लात इतना मारते हैं, क्योंकि पहली बार तो मैं मंडी वगैरह आया हूँ। हमारा तो अभी हर टाइम आते रहते, हमें तो आदत सी हो गई है अब तो। हमारा तो एक फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई, तो थोड़ा बहुत ये पीछे लात इतना मार दी, चीज का डर लगा हुआ है। तो कहाँ लेके जा रहे हैं? ना ना बच्चा दा खुदे रहा बच्चा है। 50 नहीं नहीं, वो उसने गलत वो दिखाया, अपन इसको ये बोला, मतलब उसने उल्टा वो दिखाया, नहीं है इतना। देखो जैसे कि आप पीछे को जाना दिखाया, उसके 85 मांग रहे हैं, आपको देख लो कि इन जानवरों के 85 लाख लग रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम 45-45 हज़ार में आ जाते हैं। ये तो आए थे, इनके भी 85 हज़ार में मांग रहे हैं भाई। ये डरा रहा है भाई, वो पीछे से भी आ रहा है यार। ये देख सकते हो, ये इधर हर कुछ चलता रहता है, ये तो पहले ही मार रहा है माशाल्लाह से। अकरम उरकदा कोई लेना वेना तो नहीं ले रहे? ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये अच्छा है माशाल्लाह से, इसके रेट पूछ बता सकते हैं हम आपको। वाह सर, टीम मांगेगा, लगा लो पता करके। लगभग करीब ये 3-80 बोल रहे हैं, 3.5 बोले, अंदाजा है ना कितने रेट लगे हुए मार्केट के इस टाइम पे। आगे चलते हैं तो, अभी आया था, घंटा नहीं हुआ, थोड़ा मंडी वंडी घूमे उसके बाद। माशाल्लाह से देखो इसका लुकिंग चेक करो इसकी। छोटी मोटी जगहों से गुजरना पड़ रहा है, और मंडी इस टाइम बहुत ही हाई फाई रेट पे चलती हुई, और इसकी वजह से देखो मंडी में जानवर तो अभी माशाल्लाह से बहुत हैं, लेकिन ग्राहक उस तरह के आए हुए नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि रेट वगैरह आपके सामने रेट दिख रहे हैं कि क्या रेट चल रहे मंडी के, तो कैसे लोग आएंगे फिर इस तरह। ये क्या भाई? 1.80 जो है वो जानवर के व्यापारी भाई ने बोले हैं, देखो इसके रेट वगैरह क्या लगते हैं, पार्किंग वगैरह का भी लगता है, शो वगैरह स्टार्ट होते हैं अभी। माशाल्लाह से जानवर तो बहुत प्यारा है, उसकी साइड रेट से क्या रेट लगाने स्टाइल हो जाए आपका सिगरेट पीने का। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये जवानी का कॉन्फिडेंस बस, ये बाबा ऐसे जो भी हो कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए। सही बात है।
उनको जो होना चाहिए यार, आप लोगों ने स्टाइल देखा भी चाचा का सिगरेट पीने का, आप लोग ये स्टाइल वगैरह नहीं अपना और सिगरेट वगैरह जो है वो नहीं किया करो, क्योंकि सिगरेट जो है आप लोगों की सेहत वगैरह के लिए अच्छा नहीं है। इस पर हमारी एक वीडियो बनेगी ईद के दूसरे तीसरे दिन पे इंशाल्लाह अपलोड होगी, और हम आपने स्क्रिप्ट लिख ली है इसके ऊपर, बाकी मेहनत करेंगे वीडियो बनाने में। हमारी फर्स्ट वीडियो होगी जिसमें हम खुद स्क्रिप्ट लिख रहे और तौकीर भाई की मेहनत है सारी, इसमें क्रेडिट तौकीर भाई को मिलेगा, आप इंशाल्लाह देखना जरूर, वो ईद के दूसरे तीसरे दिन में इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। और आप लोगों को उसमें बहुत सारा प्यार चाहिए होगा, उससे पहले आप लोग चैनल को हमारा सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बटन को लाजमी दबाएं, ताकि आपको जो हम लोग नई वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी भी यहाँ सौदेबाजी तो चल रही है, देखो कि सौदा नसीब पर लग जाए, अल्लाह खैर करें। अभी हम ये अपने चाचा को ढूंढ रहे हैं, वो पता नहीं कहीं और चले गए थे, हम कहीं और अभी उन्हीं को फोन करके सौदेबाजियाँ कर रहे हैं, हम कहीं और कर रहे हैं। सही है ये, अच्छा तरीका है, वो अलग करे हम अलग करे, फिर से पूरी मंडी ढूंढ ले जो अच्छा लग जाएगा वहाँ बंदा जाके ले आएगा। अब उनको दो चार दिखे, हमें एक हाथ दिखाए, तो ऐसे जो सौदा अच्छा लगेगा उनको अच्छा लगेगा, हमें जो अच्छा लगेगा वो हम ले लेंगे। तो यार अभी तक कोई सौदा हमारा बना नहीं है, 4 बज गए रात के, अभी तक 12 बजे आए थे, 4 बज गए अभी तक कोई सौदा वगैरह बन नहीं रहा, जैसे इनके रेट ही नीचे नहीं आ रहे, ना कोई बार्गेनिंग कर रहा है, ना कुछ। भाई जो रेट पहले बोल रहे 170 बोलते थे, 170 भी हट गए मेरे पास, ना 169 कर रहे ना 68 कर रहे, 1000 रुपये तक कम नहीं कर रहे एक जानवर पे, इस तरह के इनके रेट चल रहे हैं। और तभी देखो पूरी मंडी जो है अभी तक जानवर ही जानवर से भरी हुई, क्योंकि लोग अब क्या खरीदेंगे, आप लोग कोई बात ही नहीं कर रहे, आप कोई उनके लिए रिहायत ही नहीं कर रहे, तो कैसे आप जानवर खरीदेंगे। नसीर भाई की भी हालत बुरी हो गई है, खड़े हो के घूम फिर के हम आगे बस बैठ गए, चल चल के तो ऐसी हालत बुरी हुई है, क्या बताया आप लोगों को, बस फट ही गई है हमारी तो। बस अभी सुबह जॉब पे भी जाना था, ना उधर जल्दी काम फारिक हो जाएगा, 4-5 घंटे गुजर गए, अभी तो कोई जानवर हमारे को मिला ही नहीं है, जा रहे हम तो अभी तक, खाना भी नहीं खाया था इन्होंने, तो वैसे बुलाया था मेरे को मंडी उठा के लिए, मेरे को बोला चला बाहर खाने पीने कहीं चलेंगे, इनका खाने पीने मंडी में गोबर वगैरह खिला रहे हैं। हमने दोस्त हर जगह निकल लेते हैं, इससे अच्छे दोस्त और कहाँ मिलेंगे हमें, खबर करा दो, दोस्त की पूरी मार दो, बस दोस्त जब ऐसे हो बोले आओ मारो मेरी, फिर तो हम सबसे पहले ही जाएंगे, हमारा फर्ज बन जाए दोस्त का। चलो देखो यार मैं दुआ करते जल्द से जल्द जो है हमारा सौदा कहीं लग जाए। भाई बच्चे के रेट वगैरह भी चल रहे हैं, देखो हमारे में आए तो अगर 40 में नहीं थी यार, अभी तुम्हारा को 30 बोल दिया, 40 लग गया मैंने, 40 लगा 30 का चाहिए। रख दीजिए रेट या सही अलग जो बंदा जानवर को जो है वो बुक कर ले अपने लिए, रेट वगैरह ऐसे नहीं लग रहे। ओ अभी जो देखा बोलते यार 140 बोल रहा था हमने नहीं थी, मगर हमें 130 दे रहा है, 140 क्यों नहीं दे रहे, जब वो एक बंदा मांग रहा है आपसे 140 का, उन्हीं को दे रहे थे, हमें क्यों 130 का दे रहे हो। अभी मसला होता है वो ये के चक्कर में पड़े हुए हैं, 3-4 दिन रहेगा असल में, अभी तक मंडी पूरी भरी हुई है, जो छोटी मलेर की मंडी है, छोटी मंडी है ये, अभी तो नौजरन की सबसे बड़ी मंडी उधर लगी हुई है, क्योंकि खुराब बोर्ड वाली का भी उधर ही शिफ्ट हुई है, वो कितनी भरी हुई होगी आप ये सोचो जब ये इतनी भरी हुई है, क्योंकि रेट वगैरह का अब इस तरह लगा रहे तो कौन बंदा आके फिर लेगा, हमारे इलाके में अभी तक चंद लोगों ने जानवर लिए अभी तक। हाँ ये जब पूरी गली लास्ट में थी हमारी भर जाती थी, अभी तक जब पूरी गली में 2 जानवर आए हमारी गली में, हमारी छोटी गली है उसमें कुछ 7-8 जानवर होते रहे, अभी तक वही 1-2 जानवर दिख रहे। तो यार कोई सौदा वगैरह जो है बना नहीं है सही वाला, क्योंकि छोटा जानवर है जिसमें ना गोश्त वगैरह इतना हो ना कुछ, वो भी 1.5 लाख में दे रहे हैं, 1.30-1.35। तो नसीर का बू मुझे वो सौदा वगैरह किसी का भी समझ नहीं आया, इसके वजह से इन्होंने अभी घर जाने का फैसला किया है, पहले कर लेते यार 5 घंटे का वार कराया। एक पसंद आया था वो 1.40 बोल रहा था, हमने 1.30 बोला, वो कम ही नहीं कर रहा, अब क्या कर रहा, अब बोल रहा है चलो कल परसों आ जाएंगे, कल आ जाएंगे कल देख लेंगे, कोई थोड़ा लग जाएगा, एक हाथ लग जाएगा, देखते हैं अल्लाह खैर करेगा, जो नसीब में होगा वही मिलेगा।
क्या बोलते हैं? बस यही, अपने व्लॉग को हम लोग यहीं पर ही करते हैं खत्म। बाकी वीडियो वगैरह आपको पसंद आए, व्लॉग पसंद आया हो तो ये चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। आपको एक नॉलेज वाली वीडियो बनाएंगे हम लोग, वो आपको जरूर देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा हमारी वीडियो के बारे में कि हम लोग किस तरह की आपको नॉलेज वगैरह देना चाह रहे हैं स्मोकिंग के बारे में, स्मोकिंग क्विट करने के बारे में तरीका। तो बस आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।